नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम हिसार के प्रिजात चौक के नज़दीक है, यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद है, यहाँ पर फूलों की कुछ स्टाल है, जहाँ पर जो फूल है यहाँ पर मिलते हैं। अलग अलग स्टालें हैं फूलों की, जो गाड़ियों के डेकोरेशन के लिए कई, अगर किसी को भी किसी भी कार्यक्रम में फूल चाहिए होते हैं तो वो यहाँ इन स्टालों पर मिलते हैं। मैं आपको बता दूँ कि पिछले कोरोना काल की अगर हम बात करें तो इन फूलों की जो खुशबू है, वो सुंदरता है, वो कहीं ना कहीं खुशबू ज़रूर प्रभावित हो गई थी, क्योंकि जो जिस भी तरह के कार्यक्रम थे, चाहे फूलों का ज़्यादातर प्रयोग है मंदिरों में, और जो सामाजिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, और जिस भी तरह के शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं उनमें इनका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। लेकिन कोरोना काल के दौरान में, महामारी के दौरान में, सब जो इस तरह के कार्यक्रम थे, आयोजन थे, वो बंद हो चुके थे। और जब फूलों का जो धंधा, काम धंधा करने वाले थे, इनसे जुड़े हुए जो लोग थे, उनका भी कहीं ना कहीं काम धंधा प्रभावित हो चुका था, वो भी अपने घरों में बैठ गए थे, काम धंधा बहुत कम था। लेकिन एक बार फिर से फूलों की स्टाल है, वो खुशबू बिखेरने लगी है, उन पर रौनक है, वो बढ़ने लगी है। ब्याह शादियों के कार्यक्रम है, और सामाजिक और धार्मिक जो कार्यक्रम है वो भी अब बढ़ने लगे हैं, और साथ में दीपावली का त्यौहार भी कुछ दिन बाद है। तो आइए हमसे बातचीत करेंगे कि जो फूल है और जो फूलों का जो काम धंधा है वो अब किस तरह का है और क्या कुछ चल रहा है। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनू है सर। सोनू जी, ये बताइए कि कोरोना काल के दौरान जो फूलों का काम धंधा था आपका, वो किस तरह से प्रभावित हुआ और अब कैसा चल रहा है? सभी का प्रभावित हुआ था जी, हमारा तो होना ही था, क्योंकि मेरा एसेसेंस सर्विस में नहीं आता है, नॉर्मल सर्विस में आता है जी। तो सब कुछ बंद था, यहाँ पे लॉकडाउन था, यहाँ पर सब कुछ बैरियर लगे हुए थे यहाँ पर, और यहाँ पर पुलिस वाले भी थे, सब कुछ बंद था यहाँ पर पहले। तो कितने दिन तक आपका जो फूलों का काम धंधा प्रभावित रहा? जब तक लॉकडाउन था प्रॉपर बंद थे हमारी दुकान। घर से कुछ थोड़ा बहुत कर रहे थे, जैसे मान लो मेयर साहब को कुछ चीज़ें चाहिए थी, बुके, सफाई कर्मचारी और अपने जो योद्धा हैं उनको सम्मानित करने के लिए, तो घर से ही हमने दिया था, वो खेत से ला के, खेत से सीधा हमने कॉन्टैक्ट किया था। और भी बहुत सारे हैं, जैसे हरियाणा गौशाला है, और भी बहुत सारे, ये आपका गुरुद्वारा है, यहाँ पे भी सम्मानित किया था बहुत सारे वॉलंटियर को, तो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, तो हमने उनको सर्विस अवेलेबल करवा दी थी। तो उनको मतलब बुके भी अगर कोरोना काल में जो चाहिए थे मजबूरी में, वो तो उपलब्ध करवा दिया, लेकिन वैसे काम धंधा बहुत प्रभावित हुआ था। नॉर्मल कस्टमर कोई नहीं था, ना यहाँ आए कोई, और ना हमने कोई, जैसे मान लो कोई शादी शुदी थी, घर से ही या उनके होम डिलीवरी करी थी, दुकान से कुछ नहीं था, क्योंकि ये सरकार का सख्त रूल था, तो हमने उसका पालन भी करना था, क्योंकि सरकार के साथ ही थे हम भी। अब जो है अनलॉक हो चुका है और दीपावली नज़दीक है, पूरे बाजार है, शहर वो खुल चुके हैं, लोग मार्केट में धड़ाधड़ आ रहे हैं, तो अब आपका काम धंधा कैसा है और क्या कुछ चल रहा है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मिल नहीं पाती हैं, लेकिन हम उसको अवेलेबल कराते हैं। दिल्ली से माल आता है, यहाँ नहीं उगता कहीं पर भी, यहाँ पर ना तो कोई खेत है, यहाँ हरियाणा में तो बिल्कुल ही नहीं है, तो होम डिलीवरी करते हैं हम। जैसे मान लो कोई ऑर्डर करता है, तो चाहे हम कहीं हों, चाहे रात को भी करें, बहुत सारी चीज़ें पहले से करते आ रहे हैं 15-20 साल से, जोमेटो वगैरह तो अब स्टार्ट हुई हैं। तो किसको भी, जैसे मान लो कोई फूल चाहिए, रात को भूल जाते हैं लोग, वरमाला लेना भूल जाते हैं, तो हमको फ़ोन करते हैं 2-2, 3-3 बजे, हम उनको जब भी देते हैं, नॉर्मल रेट पे देते हैं जब भी, यानी कि हम ऐसा नहीं है कि भाई मना कर देते हैं, हम घर से भी ला के देते हैं, घर से आके भी दे देते हैं। तो ये तो हमारे साथ शुरू से चला हुआ है, क्योंकि हम उस लेवल पर काम करते हैं कि किसी का विवाह या कोई काम, वरमाला या किसी और कारण फूलों से ना रुके। हाँ जी अंकल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, कैसा है काम धंधा कोरोना के बाद? काम धंधा तो अभी थोड़ा चालू हुआ है, ऐसा ये कि गुजारा लायक ही है काम, दिल्ली फूल आता है, ग्राहक कम है, पहले जैसे ग्राहक नहीं रहे, ब्याह शादियाँ कम होने लगी, जो हमारी गाड़ियाँ गुड़ियाँ सजने की बंद हो गई है, और यही थोड़ा लोगों को डर होता है अभी ब्याह शादी में कितने आदमी बुलाएं कितने नहीं बुलाएं, उसके चक्कर में हमारा जो स्टेज का काम है वो थोड़ा डिम हुआ है, इतना ही है जी। अंकल, जैसे कि जो आपका फूल धंधों का काम है, आपका ये काम है, तो आप फूल बाहर से लेके आते होंगे, और ये जो फूल है, ये मतलब ये नहीं है कि हम इसका लंबे महीने 2 महीने तक रख सकते हैं, इसके कुछ दिन की सीमित मान्यता होती है कि इतने दिन तक ये फूल चलेगा और इतने तक इसको ग्राहक ले सकता है, तो उसके बाद में किस तरह का इसमें नफा नुकसान और किस तरह का काम धंधा प्रभावित रहता है इसमें? जी नुकसान तो बहुत ज़्यादा है कि 3 दिन चलता है फूल, एक दिन दिल्ली से लाते हैं, दूसरे दिन बेचते, तीसरे दिन बेचते, उसके आधा ख़राब हो जाता है, गल जाता है, फेंकना पड़ता है, और लॉस ही होता जाता है। हमारा जो भी पहले कार्यक्रम बढ़िया होता था, काम बढ़िया होता था, वो काम सब फेल हो चुका है। अभी आस्ते आस्ते थोड़ा चालू होएगा, जैसे कि दिवाली के बाद चालू हो जाएगा काम हमारा, शादियाँ शुरू हो जाएगी, इसलिए क्योंकि
दिवाली के बाद ही काम चालू हो जाएगा। डेढ़ गैस के बाद डेढ़ गैस के बाद सावा ही सावा है जी। अब देखो क्या आगे निकले, दिसंबर में पूरा सावा है। नवंबर दिसंबर में कह रहे हैं कि सावे खुल जाएंगे, क्योंकि जो मार्च अप्रैल में जो शादियां थी ना वो सभी कैंसिल करनी पड़ी हमारे पास। दो दो महीने की हमारे वो पहले बुकिंग थी, वो सब लोगों ने कैंसिल की। हमें बहुत लॉस हुआ, क्योंकि हमने भी बहुत सारे लोगों को, जैसे वर्कर हैं, लोडिंग है, फूल है, सभी की पैसे एडवांस दे रखे थे। तो लेकिन ये महामारी आने के कारण सब कुछ स्टॉप करना पड़ा। बहुत सारी शादियां थी, 4-5 शादी तो मैंने बुकिंग की हुई थी, स्टेज गेट मंडप वगैरह होता है जो पूरा पंडाल, तो वो सभी कैंसिल करना पड़ा। उन्होंने फिर नॉर्मल चीज़ें ली, जैसे मान लो वरमाला ज़रूरी है, कुछ खुले फूल हो गए या कुछ इस तरह से है, बुके वुके ये तो गए हैं, लेकिन बड़े लेवल पर कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। अंकल जी, ज़्यादातर कौन से फूल बिकते हैं और किस में ज़्यादातर लॉस होने का डर रहता है? फूल तो ज़्यादातर जी गेंदे के बिकते हैं, गेंदा गुलाब दो ही चीज़ रह गई है। भाई पहले माला मंदिर में जाते थे, मंदिर में माला बंद हो गई है, कम चलू हो गई है माला। अभी सीजन चल रहे, मंदिर पहले बंद थे, मंदिर अब खुले ने चलू हुए हैं, थोड़े एक आधा चलू है, उसमें माला मारी जाती रहती है। जो बहुत बड़े बड़े हिसार में बहुत बड़े मंदिर हैं, एक आधे मंदिर वो बिल्कुल बंद है, अभी चलू ही नहीं हुए मंदिर। अभी खुलने के चांस है, देखो जी खुल जाते हैं तो हमारा काम चल हो जाएगा। इसे गेंदा है, गुलाब है, ये जो चीज़ ये राम चलती है, थोड़ी घड़ी बिकती रहती थी मंदिर में, थोड़ी घड़ी मंदिर में बिकती रहती है। तो ये देखा आपने, जो फूल धंधे का कारोबार से जितने भी जुड़े हुए लोग थे उनका जो काम धंधा वो पूरी तरह से प्रभावित हो गया था, क्योंकि जो सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम थे, जिस तरह के आयोजन होते थे और जिस तरह के भी जो फूलों का जहाँ जहाँ पर इस्तेमाल होता था वो बिल्कुल बंद हो चुके थे। लेकिन एक बार फिर से इन लोगों को आस जगी है कि इनका काम धंधा उसी तरह से, उसी रफ्तार से चलेगा जिस रफ्तार से कोरोना काल से पहले चल रहा था, और उसी तरह से ये अपने परिवार में हंसी खुशी अपने रोजी रोजी का जुगाड़ कर पाएंगे, अपने परिवार को साधन संपन्न बना पाएंगे। तो हम अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। फूल धंधे का जो कारोबार था वो एक बार फिर से गुलजार हो रहा है, फूल अपनी खुशबू बिखेरने के लिए तैयार है। हम आपको बता दें कि ज़्यादातर जो फूलों का इस्तेमाल होता है वो कॉस्मेटिक चीज़ों में होता है, पाउडर, क्रीम और परफ्यूम बनाने में होता है, लेकिन जो शादी कार्यक्रम और जिस तरह के आयोजन होते हैं उनमें भी फूलों का प्रयोग होता है। तो आप भी फूलों के जरिए मुस्कराते रहिए, फूलों के जरिए हंसते रहिए और अपनी खुशबू बिखेरते रहिएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।